राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम राजद नेताओं के साथ शहर के विभिन्न छठघाट का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद विजय बाबू पोखर छठघाट पहुंचे, जहां उन्होंने छठघाट पर क्लब की ओर से किए गए विधि व्यवस्था को देखकर काफी संतुष्ट हुए। उन्होंने बताया कि विजय बाबू पोखर छठघाट पर सैकड़ों श्रद्धालु छठ करने के लिए पहुंचते हैं और इस छठघाट पर क्लब की ओर से साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। विजय बाबू पोखर छठघाट पर विधि व्यवस्था देख करके राज्यसभा सांसद काफी संतुष्ट दिखे। सारे लोग हैं, सभी पार्टी के हमारे विनोद शाह जी हैं, सभी लोग और भी साथ सारे सहयोगी साथ हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समिति के उन लोगों को जो इसको जिंदा रखा है, बड़ा साफ सुथरा रखने का काम किया है। जो विकास सिंह जी की अध्यक्षता में जो समिति चल रही है, जिसमें नौशाद साहब सचिव हैं, उनके सारे सहयोगी हैं, प्रमोद जी हैं, विभूति जी हैं और जितने भी सहयोगी उनको हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास सिंह जी के नेतृत्व में ये एक अच्छा काम हो रहा है। इस पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए जो सफाई सुथरापन उसको हाइजीनिक बनाने के लिए देखा, बांस बल्ला गाड़ रहे हैं कि आगे कोई नहीं बढ़ जाए, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए। ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में लोग मनाते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, और ये बिहार का एक्चुअली बिहार का त्यौहार है। जिस तरह से दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का त्यौहार बड़े उल्लास से मनाया जाता है, यहाँ भी बिहार में मनाया जाता है, बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन छठ खास तौर पर बिहार का त्यौहार है। और ये एक बड़ा ही मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबसे एक मिलकर और सब लोग सहयोग देते हैं, सब लोग साथ मिलकर। अभी मैं कह रहा था कि हम लोग बचपन में, हमको याद है कि हम लोग इंतज़ार करते रहते थे अपने गांव में कि ठकुआ आएगा, केला आएगा, वो क्या कहते हैं गागर लेमू आएगा, नारियल आएगा, और हम लोग बड़ी खुशी से ख़ास तौर पर ठकुआ का इंतज़ार बचपन में भी रहता था और आज भी रहता है। हम समझते हैं कि समिति के लोग फिर हम लोग को ठकुआ खिलाने का काम ज़रूर करेंगे। और इस तरह का त्यौहार हर साल मनाया जाता, और ये ऐसा त्यौहार है जो सूरज डूबते वक्त भी मनाया जाता और आखिर में सूरज उगते हुए भी मनाया जाता। यानी हमेशा ये मुल्क, यहाँ समाज के लोग, यहाँ की मानवता हमेशा आगे बढ़ती रहे, उगती रहे, और इस तरह के पर्व को मनाया जाए और हमेशा इस तरह की पूजा हो, ताकि विकास होता रहे, ख़ास तौर पर इस इलाके का विकास सिंह जी के नेतृत्व में विकास होता रहे। बहुत धन्यवाद। आप बाहर बाहर हैं, ललियाही का जैसे अभी हमने देखा है, कोमनिया है, आपसे बताएं मधुरा घाट है, हर जगह गए थे, तो जाहिर है कि अच्छा ये पक्का घाट है, अच्छी तरह बना हुआ है, ये इसको कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा घाट है। लेकिन सब घाट पवित्र है और वहाँ मिट्टी है, तो जहाँ पक्का नहीं भी है उसको भी हम पवित्र ही कहेंगे कि मिट्टी ही पवित्र होता है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा घाट है और सफाई सुथराई हो रही है, पक्का घाट है। और हम फिर धन्यवाद देना चाहते हैं जो समिति ये कर रही है, इसको साफ सुथरा कर रही है, अच्छा कर रही है। और विजय बाबू का ये जो पोखर है हमेशा जगमगाता रहे, हमेशा ये जनता के काम आता रहा है, हमेशा इस तरह की छठ पूजा होती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। आदाब।